राज्य सरकार स्वतंत्र कृषि बजेट प्रहेलिका 2013-14 आर्थिक वर्ष आरंभ होता स्वतंत्र कृषि बजेट हेले एबे भी ओडिशा चाषी आय देश में तलाड़ द्वितीय एबे भी 69 ब्लॉक रे होई पारिनी 35% जलसेचन राज्य में 123 शीतल भंडारू 79 अचल धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य पाइबारु वंचित ओडिशा चाषी सरकार को कृषि बजेट को नहीं खुशी नहांती राज्यर चाषी 2022-23 आर्थिक वर्ष पई 21,166 कोटी टंकार स्वतंत्र कृषि बजेट आनी राज्य सरकार कालिया योजना पई 1,874 कोटी टंका व्यय बराद कृषक मानक सामूहिक अभिवृद्धि समृद्धि एवं विकास पई उत्सर्ग करा जायछि बोली घोषणा करिसेंति राज्य सरकार 2013-14 रो एक पृथक कृषि बजेट उपस्थापन माध्यम रे एही क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाउछि एवं सरकार एही क्षेत्र पई आवश्यक संबल विनियोग करथांति मु कृषि बजेट को आम राज्यर जनसाधारण एवं कृषक मानक सामूहिक अभिवृद्धि समृद्धि और विकास पई उत्सर्ग करूछि 2013-14 आर्थिक वर्ष रे प्रथम करि स्वतंत्र कृषि बजेट आरंभ करथिले राज्य सरकार सेतेबेले 7000 कोटी रा बजेट एबे 3 गुणा वृद्धि पई 21,000 कोटी रे पहुंचलानी हेले बजेट रे हेतुपा व्यय बरादर घोषणा एवं वास्तव स्थिति रे रहिछि आकाश पाताल फरक तेबे एक कथा आमे कहुनु एहा प्रमाणित करूछि सरकारी दस्तावेज मार्च मासरे विधानसभा रे कृषि मंत्री देथिबा उत्तर अनुसारे राज्य रे मोट 123 शीतल भंडार मध्यरु 79 अचल सचल थिबा शीतल भंडार मध्यरु कृषि विभाग रो 4टी जहार क्षमता 4000 मेट्रिक टन समवाय विभाग अधीन 18 शीतल भंडार रहिछि एथिरु केते अचल एवं केते सचल ताहार तथ्य कृषि विभाग पाखरे नथिबा कहिथिले तत्कालीन कृषि मंत्री अरुण साहू एपरिकि शीतल भंडार अभावरु ओडिशा रे उत्पादन हेउतबा माछकु पश्चिमबंगरे थिबा शीतल भंडार रे संग्रहित करि रखिबाकु बाध्य होचंती ओडिशा चासी सार हला चढ़ा दर रे कोला बजारी रे सार बिक्री होउचे चासी बहुत हैरान होचन तापर अपन बिहन हला विभिन्न जिनिस हला ट्रैक्टर भड़ा हला सबू जिनिस रो औषध पत्र सबू जिनिस रे बहुत बढ़ी गलान तो चासी बहुत हैरान हरकत होजन केन्द्र सरकार को परिसंख्यान एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाश पाइथिबा सत्यतम रिपोर्ट अनुसार ओडिशा चाषी आय देशर द्वितीय सर्वनिम्न ओडिशा रे जणे चाषी रो हाराहारी मासिक आय मात्र 5,112 टंका एहा सह ओडिशा रो 61.2% चाषी परिवार ऋणग्रस्त थिबा जणा पडिछि ऋणग्रस्त चाषी को क्षेत्र रे ओडिशा समग्र देश रे षष्ठ स्थान रे रहिछि प्रत्येक ऋणग्रस्त चाषी मुंडरे हाराहारी 32,721 टंकार ऋण रहिछि 2013-14 रे धानर एमएसपी थिला 1,310 टंका एबे एमएसपी पहुंचिछि 2,040 टंकारे केन्द्र सरकार एमएसपी बढ़ाउछंती किंतु एमएसपी वृद्धिर कौनसी फायदा पहुंचुनी चाषी पाखरे बिक्री करवार लगी असुविधा होछे सेमनके आपण सरकार देउछे हमके 13 क्विंटल आउ हमें प्रोडक्ट करुछु 30 क्विंटल हेले बाकी जन रहुछे 17 क्विंटल सेटा काके देउ आज्ञा जे हमर चाषर आयटा द्विगुण हेबा तो गवर्नमेंट जदि चाहूछे बोले से चेष्टा करू कि चिंता करू जे 5 एकड़ किंबा 10 एकड़ जमी चाष करला बेले गुटे लोकटे मासी प्रति लक्ष टंका कि 50,000 टंका मिनिमम हिसान को मानि करबा 2005-06 रे सरकार कहिथिले 5 वर्ष भितरे समस्त 314 ब्लॉक रो 35% जमी रे जलसेचन करिवे तेबे दीर्घ वर्ष परे एबे भी 69 ब्लॉक रे होई पारिनी 35% जलसेचन सेहिपरि 10 बृहत 9 मध्यम जलसेचन प्रकल्प कार्य 20 वर्षरु ऊर्ध्व समय धरि चालुथिले भी शेष हेउ नाही खालि सेतिकि नुहे 199 क्षुद्र जलसेचन प्रकल्प केबे सरिब तार उत्तर राज्य सरकार पाखरे भी नाही एसबु बाद सीएजी रिपोर्ट कहुछि 13 वर्षरु 43 वर्ष हेला विभिन्न प्रकल्प संपूर्ण होई पारुनी एपरिकि जलसेचन लक्ष्यर मात्र 24% राज्य सरकार पूरण करिपारिथिबा सीएजी रिपोर्टरे प्रकाश पाइछि राज्य में 2,710 पैक सहित समुदाय 3,781 धान संग्रह केन्द्र रही जहाँ मध्य 2,458 धान संग्रह केन्द्र में पिंडी सुविधा नथिबा बेले 1,795 चाषी रही रहणी केन्द्र नहीं सेहिपरि 2,165 धान संरक्षण गृह नथिबा बेले 409 नियमित संपादक नहांती एहा बाद केउठी विद्युत भित्तिभूमि नहीं तो आउ केउठी
ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନେଟୱର୍କ ବି ନାହିଁ। ଜଳସେଚନ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ କାଗଜ କଲମରେ 3-4% ଅଛେ, ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଜଳସେଚନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର କଥା ସେଟା ନେଇ ହେବାର। ଯେନ୍ ହିସାବରେ ସାର ହେଲା କୀଟନାଶକ ହେଲା ସବୁ ଯେତେ ଯେନ୍ ଦରଦାମ ଜେଡ଼କି ଟାଗର ବଢ଼ିଛେ, ଆମର ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଛେ, ତାପରେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଏଇ ଯେନ୍ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମନଟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାନ, ଚାଷ ପ୍ରତି ଆର କାହାରି ଆଗ୍ରହ ନାଇଁନ। ସେପଟେ କୃଷି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ପରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଆସିଛି କୃଷି ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ, ଏହା ନୈରାଶ୍ୟଜନକ। କେବଳ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଥିରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବଳିଆ ଯୋଜନା ଭଳି ଏକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ପେଶାଲ ବଜେଟ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କେମିତି ହେବ? ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଆପଣ, ମଣ୍ଡିକୁ ଯିବେ, କୋଟି 5 କିଲୋ, କୋଟି 7 କିଲୋ, କୋଟି 8 କିଲୋ ଖାଲି କଟନୀ କରିକି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର ବିହନ ଦେଖିବେ, ବିହନ ପ୍ରପର୍ଲି ମିଳୁନି। ଆପଣ ସାର ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଉପରକୁ ଯିବେ, ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ରପର୍ଲି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳୁନି। କୃଷି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ କୃଷକ, ଆମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମେଜର କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି କରାହେଇଛି। କୃଷିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବଜେଟ୍ର ଆଧାରକୁ 3 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବଜେଟ୍, ଆଉ ଯୋଜନା ପାଇଁ ନାହିଁ କ'ଣ? ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧୀ ତାଙ୍କର କହିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ବଜେଟ୍। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ସହ କୃଷି ବଜେଟ୍ର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ଅର୍ଥ ସମର୍ଥ ହେଉଛି ନା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଉଛି ତାହା ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଜଣା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।